इवैक्यूएशन तहसील के साथ मिलकर, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का मिलकर हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में जो यहाँ के आसपास रहने वाले हैं उनको इवैक्यूएशन कर दिया गया है, शेल्टर होम प्रोवाइड कर दिया गया है और भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट, उनको डूज एंड डोंट्स बताने की क्या कार्रवाई करनी है, ये कार्रवाई चल रही है। इवैक्यूएट तो 2 से 5 किलोमीटर तक के एरिया में जो कच्चे मकान है बहुत ज्यादा, जो सिंगल स्टोरीज है, उन्हीं को इवैक्यूएट करने के लिए बताया गया है ताकि वो ज्यादा एडवर्स इफेक्ट उन्हीं में हो सकता है क्योंकि किशोर के पास रहते हैं वो, पानी स्टैग्नेशन भरने के चांसेस भी हैं और बारिश भी बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है, इसीलिए उनको 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में बताया गया। मांडवी में हमारी एक टीम है लेकिन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमारी 4 हैं और भी टीमें आने की प्रोसेस चल रहा है, अभी और 2 टीम और आने का है, उसके बाद हो सकता है कि और डिक्वेशन या और डिमांड हो तो और टीम्स भी यहाँ आ सकती हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट्स भी लाए हैं और बोट ओबीएम वगैरह, लाइफ जैकेट जो फ्लड वाटर में काम आते हैं उसमें वो भी लाए हैं, तो दोनों जो साइक्लोन के बाद जो मेन ड्यूटीज होती हैं फ्लड वाटर की या जो कटिंग करने की, सीएसएसआर जो कोलैप्स सिस्टम बोलते हैं, उसमें जो भी इक्विपमेंट है हमारे पास कटिंग से लेकर जनरेटर से लेकर सभी चीज प्रोवाइड हम ला रखे हैं।